और वही श्रम सम्मान योजना कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। वंदना यादव ये भी दर्जी ट्रेड से जुड़ी हैं, 10,000 रुपए की धनराशि कैनरा बैंक के माध्यम से। नगमा दर्जी ट्रेड से ही 25,000 रुपए की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता। प्रिया विश्वकर्मा दर्जी ट्रेड के लिए 50,000 रुपए की धनराशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। रीता मौर्य दर्जी ट्रेड के लिए 50,000 रुपए की धनराशि इंडियन बैंक के सहयोग से। यहाँ पर बैठे हुए भी जितने लोग हैं जोरदार तालियों से इनको शुभकामनाएं दें, और बैंक सभी बैंक के अधिकारियों के लिए भी हम आभार तालियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जितने लोगों को भी टूल किट मिला है जरा बैग उठा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद भी ले लें। सभी लोग उस ऊर्जा के साथ टूल किट दिखाएं, सभी को ये प्राप्त हो चुका है, प्रसारण हो रहा है, पूरे प्रदेश में ये बात जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाए। हुनर को सम्मान, नई पहचान और नए आयाम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। दूरदर्शी सोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण, साफ नियत और त्वरित निर्णय लेकर वो प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोगों को, पारंपरिक कारीगरों को मुख्य विकास की धारा से जोड़कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तन्व्याप प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी, आज यहां पर उपस्थित विभिन्न स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए हमारे सभी बैंक के अधिकारीगण, एसएलबीसी के जो कन्वीनर हैं ब्रजेश कुमार सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज के इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए हमारे सभी माननीय मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, और यहां पर भी और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक विश्वकर्मा जयंती, ये मान्यता है कि वे देवताओं के यानी आदि शिल्पी वे माने जाते हैं, आदि शिल्पकार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती का पावन दिवस है और साथ ही साथ
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, इस देश के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इस वर्ष 6 अक्टूबर को सेवा के 20 वर्ष यानी मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के लिए उनकी जो सेवाएं हैं, उन्होंने जो देश को अपने नेतृत्व क्षमता से एक नई दिशा दी है, इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और आप सबको जिनके जीवन में एक नई खुशहाली प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से प्रारंभ हुई है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की सेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा के 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है, इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है। और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी परंपरागत जो हस्तशिल्पी हैं उनके हुनर को नमन करते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज का ये दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, भगवान विश्वकर्मा आदिकाल से भारतीय समाज में मान्य रहे हैं, उनकी उपासना होती रही है, लोग उन्हें निर्माण के देवता के रूप में सदैव सम्मान देते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने दिसंबर 2018 में एक योजना प्रारंभ की थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान की। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान देने, उनके स्वावलंबन की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जोड़ करके उसके माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली ना करके समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक प्रयास था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इन परंपरागत हस्तशिल्पियों ने इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लेकर के, क्योंकि 18 के बाद हमें केवल एक वर्ष का समय मिल पाया था, पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, उस सब के बावजूद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान ने प्रदेश में रोजगार सृजन में अभूतपूर्व सफलता हमें प्रदान की। अन्यथा हर व्यक्ति चिंतित था जब कोरोना महामारी के कारण देश के अंदर बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए, उस समय की स्थिति क्या थी कल्पना कर सकते हैं, हर व्यक्ति चिंतित था क्या होगा यूपी का। लेकिन हमारी इन परंपरागत कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने और उद्यमियों ने मिलकर के ऐसा तंत्र विकसित किया इस दौरान कि हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को शासन की योजना के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से
न केवल अपने स्वयं की सुरक्षा बल्कि अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को साकार करने में उन्होंने योगदान दिया और यही कारण है कि देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक और 24 करोड़ की अधिक की इस आबादी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है यानी बेरोजगारी की जो दर है वह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम है और यहां पर 2016 में जो बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी आज वह लगभग 4-5% के आसपास है। यह एक सफलता की नई कहानी एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दिसंबर 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ इस योजना के अंतर्गत अब तक 68,400 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देकर के उन्हें लगभग 100 करोड़ के टोल किट भी उपलब्ध कराए गए, उन्नत किस्म के टोल किट उपलब्ध कराए गए।